सो व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग एंड कैसे फेस को गोरा किया जा सकता है कुछ इस टाइप का। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाया गया है ओनली स्नैपसीड एप्लीकेशन की सहायता से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस फ़ोटो को भी एडिट करना होगा उस फोटो को सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है, ठीक है। और ओपन करने बाद सबसे पहले यहाँ पे नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और टूल्स पर क्लिक करने बाद ऊपर ट्यून इमेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उस पर क्लिक कर देने बाद सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम लोग सैचुरेशन को -100 तक, एम्बियंस को लगभग 40 के करीब रख लेंगे, और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करने बाद व्यू एडिट पर क्लिक कर देना होगा, और व्यू एडिट पर क्लिक करने बाद नीचे यहाँ पर ट्यून इमेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे, और ब्रश पर क्लिक करने बाद आप लोग को नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद क्या करना है, कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर से जो भी ब्लैक निशान है हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो मैं यहाँ से फटाफट से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिमूव करने बाद क्या करना है, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद फिर से क्या करना है, नीचे यहाँ पे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा, और उस पर क्लिक करने बाद नीचे आ जाना है यहाँ पे हम लोग को, और नीचे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करने बाद नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने बाद हम लोग एक रेड कलर के PNG को ऐड कर लेंगे। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐड करने बाद बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और उस पर क्लिक करने बाद यहाँ पे इसको हम लोग डार्केन पे रख लेंगे, ठीक है। और डार्केन पे रखने बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, उसके बाद व्यू एडिट पे, और व्यू एडिट पर क्लिक करने बाद नीचे यहाँ पर डबल एक्सपोजर पर, उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और ब्रश पे क्लिक करने बाद क्या करना, हम लोग इसको 100 पे रख लेंगे, और कुछ इस तरीके से इसको टी शर्ट पे अप्लाई करना है। इससे आप लोगों का टी शर्ट का कलर चेंज हो जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं फटाफट से टी शर्ट का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। अगर आप लोग को सिंपल फ़ोटो चाहिए तो उसका भी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग इस फ़ोटो को सेव कर लेते हैं, और सेव करने बाद क्या करना है, इधर आ जाना है, और फिर से हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा, और उस पर क्लिक करने बाद यहाँ पे आ जाना है, और डिटेल पर क्लिक कर देना होगा। और डिटेल पर क्लिक करना सार, इसका स्ट्रक्चर हम लोग 50 के करीब, और शार्पनिंग हम लोग 24 तक, और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, उस पर क्लिक करने बाद व्यू एडिट पर क्लिक कर देना है, और व्यू एडिट पर क्लिक करने बाद नीचे यहाँ पर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ब्रश पर क्लिक करने बाद क्या करना है, इसको हम लोग 100 पे रख लेंगे, और कुछ इस तरीके से जूम करके इसको हेयर पे अप्लाई कर देना है, हेयर पे और टी शर्ट पे इसको अप्लाई कर देना है, जिससे कि आप लोग का टी शर्ट पे चमक आ जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इसके बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा, और सेव करने बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पर नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे ब्रश पर क्लिक कर देना है, और ब्रश पर क्लिक करने बाद यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ब्रश को ले लेना होगा एक्सपोजर को, और हम लोग इसको 0.7 पे रख लेंगे, और उसके बाद जूम करके कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पे अप्लाई करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वन क्लिक में कुछ इस तरीके से हम लोग का फेस गोरा हो जा रहा है। तो आप लोग डबल यहाँ पे एक्सपोजर की सहायता से आप लोग अपने फेस को गोरा कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से फेस को गोरा कर ले रहा हूँ, और इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ पे फिर से ब्रश पर क्लिक कर देना होगा, और चौथे नंबर यानी कि सैचुरेशन पर क्लिक कर देना है, और क्या करना है, उसको जूम करके कुछ इस तरीके से इसको लिप पर अप्लाई करना है, जिससे आप लोग का लिप हल्का सा रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने बाद क्या करना है, इसको यहाँ से डन कर देना है। तो डन कर देने बाद दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसी फ़ोटो को हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, स्नैपसीड में ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्नैपसीड में ओपन कर लेना होगा, और ओपन करने बाद क्या करना है, यहाँ पे फिर से नीचे यहाँ पे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा। टूल्स पर क्लिक करने बाद क्या करना है, इधर आ जाना है आप लोग को, और नीचे यहाँ पर पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देना होगा।
और इस पर क्लिक करने बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे कॉम्बो 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा इस साइड पे। और इस पर क्लिक करने बाद सबसे पहले हम लोग इसका फेस स्पॉटलाइट है 24 पे रख लेंगे, और इसका स्किन स्मूथ है जो 50 के करीब, और इसका आई क्लियरिटी 0। और इसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने बाद क्या करना, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और उस पर क्लिक करने बाद वी एडिट पर क्लिक कर देना है, और वी एडिट पर क्लिक करने बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर देना होगा, और 3 डॉट पर क्लिक करने बाद यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने बाद क्या करना होगा, फिर से हम लोग को ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, और 3 डॉट पर क्लिक करने बाद हम लोग इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो इंसर्ट करने बाद आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से फेस स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद आफ्टर और बिफोर करके आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से डन कर देंगे। ठीक है, तो डन करने बाद इस फोटो को हम लोग यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम लोग शेयर कर लेंगे टूलविज ऐप में। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ टूलविज ऐप में। तो जो भी सेटिंग बताऊँ उस सेटिंग को आप लोग सही से देखिएगा। तो ओपन करने बाद सबसे पहले यहाँ पे नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और इफेक्ट पर क्लिक करने बाद यहाँ पे इस पर क्लिक कर देने बाद यहाँ पे सॉफ्ट स्मच पे क्लिक कर देना होगा, और सॉफ्ट स्मच पे क्लिक करने बाद यहाँ पे आ जाना है, और हम लोग को यहाँ पे 6 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और इस पर क्लिक करने बाद क्या करना है, इसको मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और उसके बाद यहाँ से इसको हम लोग क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद कुछ इस तरीके से हेयर पे इसको अप्लाई करना है। तो हेयर पे अब बैकग्राउंड पे आप लोग टी शर्ट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप लोग को ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अप्लाई कर लेता हूँ, और अप्लाई कर देने बाद क्या करना है, हम लोग को ऊपर यहाँ पे आ जाना है, और ऊपर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो सेव करने बाद हम लोग इस फोटो को यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको शेयर कर लेते हैं यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ओपन कर लेना है। ठीक है, और ओपन करने बाद सबसे पहले यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे 20 के आसपास, और उसके बाद कलर पे क्लिक कर देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे रेड वाले ऑप्शन पे रख लेना होगा, और इसका ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करना है, और यहाँ पे सैचुरेशन को भी, और ह्यू को थोड़ा सा कम। उसके बाद ऑरेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, इसका हम लोग सैचुरेशन कम और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और ह्यू को थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ से इसको डन कर देना होगा, और डन करने बाद नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और सबसे पहले इसका क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेना है, और इसके बाद इसको भी थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद आफ्टर बिफोर करके आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम लोग सेव कर लेते हैं।